नमस्कार मित्रों, धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह की कथा सुनी। इसके बाद कथा प्रसंग आगे बढ़ता है। मैं आपको सुना रहा हूँ महाभारत की कथाएं। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। पांडु दिग्विजय के लिए निकलते हैं, बहुत सारे राजाओं को परास्त करके और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। वापस आकर के वो सारा धन वो धृतराष्ट्र के चरणों में रख देते हैं, सत्यवती के चरणों में रख देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक ठाक है। भले महर्षि वेदव्यास ने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन कवि जो लिखता है और जो दिखाता है, कई बार दोनों में अंतर होता है। लिखा हुआ पढ़ा जाता है और वो जो दिखाना चाहता है वो हमें दिखाई देता है। यह मुझे भी ऐसा दिखाई देता है कि हस्तिनापुर में गद्दी के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, पांडु राजा बना दिए गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की इच्छाओं का मुझे समन होता दिखाई नहीं देता है। इसलिए सब राजाओं पे विजय प्राप्त करके जो बहुत सारा धन धान्य लेके आए, उस धन धान्य से महाराज धृतराष्ट्र ने 100 से ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। पांडु ने वो सब कुछ धृतराष्ट्र को समर्पित किया है, अपने बड़े भाई को समर्पित किया है। वो सब कुछ देने के बाद भी कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से पांडु को ये लगता है कि मुझे हस्तिनापुर में नहीं रहना चाहिए। और पांडु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के, कुंती और माद्री को लेकर के, वन में चले जाते हैं, वन में निवास करने के लिए चले जाते हैं। उनका कथन यहाँ पे महाभारत में इस प्रकार से पाया जाता है कि उन्होंने कहा कि इस धन और संपत्ति की लालसा में बहुत कुछ होता रहा है और मुझे ये सब अनुकूल नहीं लग रहा है, इसलिए मोक्ष ही उत्तम मार्ग है। और ऐसा कह करके वो एक बार वन में चले जाते हैं अपनी पत्नी, दोनों पत्नियों के साथ। उल्लेख है, स चरण दक्षिणम पार्श्वम रम्यम हिमवतो गिरे। हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग पे वो विचरण करते हैं। उवास गिरि पृष्ठेशु महाशाल वनेशु च, उत्तम पर्वतीय क्षेत्र, शाल के वहाँ पे वन हैं, उनमें वो विचरण किया करते हैं। बहुत सुंदर उपमा दी है महर्षि वेदव्यास ने यहाँ। रराज कुंत्या मद्र्याचा पांडु सहवने चरण करेन्नो रिव मध्यस्थ श्रीमान पौरंदरो गजः। जैसे दो हथनियों के बीच में इंद्र का हाथी ऐरावत हो, इस प्रकार से वहाँ वन में अपनी दोनों पत्नियों के साथ पांडु जो हैं वो विचरण करते हैं, इस प्रकार की कथा पाई जाती है। ये पांडु वन में पहुंच गए, लेकिन वो महात्मा या सन्यासी नहीं हुए हैं, इसलिए वन में भी शिकार का शौक उनका बना रहता है। और वो एक बार मृग्या में एक ऐसे हिरण का शिकार कर देते हैं जो वास्तव में हिरण के रूप में एक मुनि होते हैं, और उस मुनि के शिकार के कारण यहाँ वर्णन किया है, अहम ही किंदमो नाम तपसा भवितो मुनि व्यपत्र पन मनुष्याणाम मृग्याम मैथुन माचरण। होता क्या है कि एक मुनि है जो मृग का रूप धारण करके और मृगी के साथ में मैथुन कर रहे होते हैं, काम मोहित होते हैं, काम पे विजय पाना बहुत कठिन है। इसके संदर्भ में एक वीडियो में पूरी बात करूँगा, अभी हम इस विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो वो जो मुनि हैं वो पांडु से ये कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ और मैं अगर तपस्वी के रूप में इस प्रकार से काम चेष्टाएँ करूँ तो लोगों पे उसकी विपरीत असर होगी, इसलिए मैं मृग का वेश धारण करके और मृग बन करके वन में इन मृगियों के साथ में मैथुन किया करता। और तुमने
इस कामावस्था में जब मैं मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, उसी अवस्था में तुमने मेरा वध करके बहुत ही गलत किया है। मृग का शिकार करना यह राजा का अधिकार है। मैं इस बात के लिए तुमको शाप नहीं दे रहा हूं कि तुमने मृग का शिकार क्यों किया, लेकिन तुम थोड़ी देर राह देख सकते थे, तुम मैथुन के समाप्त होने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन तुमने इसी अवस्था में जो मेरा वध किया है, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम था कि मैं ब्राह्मण हूं। तुमने एक मृग का शिकार किया है, मृग का शिकार भी राजा का अधिकार है, इसलिए उसका भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुमने काम अवस्था में, काम क्रीड़ा में रत जो मेरा वध किया है, इसके लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्या शाप दिया है? कि जिस तरीके से मैं कामाशक्त था, जब भी तुम कामाशक्त होके अपनी पत्नी के साथ संभोग करने जाओगे, उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, ये काम का जो प्रकोप है, इसका जो प्रभाव है, इसको मनमथ कहा गया है। अगले किसी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और हम देखेंगे ये क्या है और कैसे है और इसका पराक्रम क्या है और इसका प्रभाव क्या है। तो आगे की कथा, कैसे हुए पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र, अगले वीडियो में सुनते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति पे डॉक्टर हरिनिवास तिवारी को। धन्यवाद।